नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम विनीता। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरा चैनल आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल पे होम ऑर्गेनाइजेशन, किचन ऑर्गेनाइजेशन, किचन होम हैक्स, इंपॉर्टेंट टिप्स, एंटरटेनमेंट ब्लॉग, किड्स लर्निंग वीडियो, कुकिंग वीडियो, ट्रैवल ब्लॉग, बेसिकली सारे फैमिली वीडियोज डालती हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप भी मेरे YouTube फैमिली के पार्ट बन जाए। और बेल आइकन में जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ऐसे जो भी वीडियोस आ रहे हैं आप तक पहुंच जाए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं, तो लिविंग रूम बनाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, जो आज के वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एक्चुअली हमने बनाने के बाद एक्सपीरियंस भी किया है। तो उसी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके मैं आज सारे टिप्स लेके आई हूँ। कुछ उसमें प्रॉज है, कुछ उसमें कॉन्स है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसको एंड तक देखिएगा, ताकि आपको भी बहुत आइडियाज मिले और आप बनाने के पहले सोच सके। तो चलिए, अब मैं लेट नहीं करूंगी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, हमने रेनोवेशन के टाइम अपने सारे फर्नीचर, लिविंग रूम के जो भी फर्नीचर थे, सबको चेंज करके प्लाई के ऊपर विनियर से करवाया है, क्योंकि विनियर का लुक होता है एवरग्रीन, वुडन लुक देता है, जो सिंपल एंड सोवर लगता है। तो हमें ऐसा सिंपल एंड सोवर लुक ही चाहिए था। सबसे पहले आपको बताती हूँ, विनियर कॉस्टली है, क्वाइट कॉस्टली। आप अगर लेमिनेट जब यूज करते हो तो उससे विनियर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो जब शिफ्ट किए और जब हम इसे यूज करना स्टार्ट किए, तब हमें एक्चुअली रियलाइज हुआ कि इसके मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। इसके क्लीनिंग प्रोसेस बहुत डेलिकेट है, आप इसको कॉलिन से क्लीन नहीं कर सकते, पानी नहीं लगा सकते। सिंपल जो ड्राई कपड़ा होता है, ड्राई क्लोथ होता है, उसी से ही आपको इसे साफ करना होता है। और इसमें देखिए, डेंट भी बहुत जल्दी लगता है। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे होगे, घर में मेरे बच्चे हैं, तो बस यहाँ पर जो सेंटर टेबल रखा हुआ उसके नीचे व्हील है, तो बस बच्चे खेलते खेलते थोड़ा सा टेबल को जैसे ही वो लोग मूव करते हैं, तो उस टेबल से ही ये देखिए हमारे यहाँ पर ऐसे डेंट आ गया। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, तो ये एक बार ऐसा डेंट आ जाता है ना, तो बस इसके बाद इसको फिर से हटाना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए, जैसे मेरा यहाँ पर इंडोर प्लांट रखा हुआ है, तो इसमें पानी तो ऐसे बहुत कम देते हैं, कभी कभी देते हैं हम लोग इंडोर प्लांट में, बट जब हम इसको जब पॉट को जब सिंपल ऐसे रखे थे, तभी भी देखिए आप देख सक रहे हो कि ये देखिए, पानी देने के टाइम थोड़ा थोड़ा, जब पानी अगर कभी कभी थोड़ा सा भी नीचे आ जाता, तो उससे देखिए ऐसा स्पॉट आ गया है। और उसके बाद देखिए, हमने ये ग्रास मैट जो होता है वो इधर लगाया, उसके ऊपर ऐसे पॉट लगाया, तो उसके बाद भी ऐसा स्पॉट आता ही है। और इसको साफ करना बहुत मुश्किल है, रोज थोड़ा थोड़ा करके साफ करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है। अगर आप विनियर से आपका फर्नीचर बना रहे हो, पॉलिश करने के टाइम, देखिए हमारे ये विनियर का डिजाइन वर्टिकली है, तो पॉलिश करने के टाइम ऐसे वर्टिकली ही पॉलिश करने के लिए बोलिएगा। लेकिन हमारा पॉलिश वाला जो था, ये देखिए वर्टिकल तो किया ही था, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी पॉलिश कर दिया था। आपको एकदम लाइट दिखेगा, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए, आपको अगर दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टली करने से ये देखिए साफ पता चल रहा है यहाँ पर पॉलिश ढंग से नहीं हुआ है। तो जब भी आप पॉलिश कराओगे, अगर डिजाइन जैसा भी होगा, जैसे वर्टिकली डिजाइन होगा, तो वर्टिकली ही उसको पॉलिश करने के लिए बोलिएगा, और अगर हॉरिजॉन्टली होगा तो हॉरिजॉन्टली पॉलिश करने के लिए बोलिएगा। तो यहाँ ये भी गलती हुआ है, जब विनियर पॉलिश का सोल्यूशन बनाएंगे तो कोशिश कीजिएगा एक साथ में पूरा सोल्यूशन बन जाए, ताकि आपका जो जो जहां जहां जो यूनिट आप विनियर का बना रहे हो, लाइक टीवी यूनिट, डोर्स और कहीं भी, सबका जो शेड है, वो एक जैसा हो। अगर आप पहले थोड़ा बनाते हो और बाद में फिर से थोड़ा अलग कोई कॉर्नर को बनाने के लिए करते हो, तो आपका शेड उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा, लाइक हमारा हुआ है। आप अगर देख सक रहे हो कि टीवी यूनिट का शेड आप देखिए, और आपको मैं दिखाती हूँ, आइए ये देखिए, ये मेरा डाइनिंग टेबल का है, और अगर आप नोटिस करोगे अच्छे से, तो टीवी यूनिट का थोड़ा लाइट है और ये देखिए थोड़ा डार्क है। सारे इस पॉइंट्स के ऊपर बेस करके मैं यही कहना चाहती हूँ, विनियर का लुक बहुत अच्छा देता है, सिंपल सोवर एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिलता है, बट इट्स क्वाइट कॉस्टली, और इसकी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो भी डेलिकेट है, इसकी मेंटेनेंस है,
तो आप ये सारे पॉइंट को कंसिडर करके ही सिलेक्ट कीजिएगा कि आपको विनियर से बनाना है या फिर लैमिनेट को ही चूज करना है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आप अगर टीवी यूनिट के नीचे ड्रॉर्स बना रहे हो तो उसमें थोड़ा स्पेस रखिएगा, थोड़ा डीप कीजिएगा। लाइक हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने ये ड्रॉर्स जो बनाए हैं ये है 6.5 इंच, लेकिन ये अगर इतना दूर टिल यहां तक अगर होता तो 8 इंच तक होता तो हमारे ड्रॉर्स में स्पेस भी अंदर अच्छा रहता और थोड़ा डीप भी होता। लाइक आपको मैं ये ड्रॉर खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ड्रॉर्स में तो हमने सारे टूल्स रखे हुए हैं जो भी है, और रेगुलर थोड़े थोड़े जो चीजें हैं जैसे की वाले ये सब, इसको हमने रखे, तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हमने 4 ड्रॉर्स बनाए हैं, 1, 2, 3, 4। तो बाकी ड्रॉर्स में किसी में हमने ग्रोसरी बैग रखे हैं और पेपर्स रखते हैं, न्यूज़पेपर्स, तो वो सब रखने के टाइम हमें वही रियलाइज हुआ कि स्पेस कम मिल रहा है, थोड़ा डीप होता है तो और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकता था। तो टीवी यूनिट में ड्रॉर्स बनाने के टाइम आप अगर हाइट 8 to 9 इंच तक रखोगे तो आपको डेप्थ अच्छा मिलेगा, और उससे आप कुछ भी अगर ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको स्पेशियस लगेगा, अच्छे से आप रख पाओगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे टीवी यूनिट में ऊपर ये देखिए एक इलेक्ट्रिक पॉइंट किया हुआ है, यहाँ सारे स्विचेस है, और ये देखिए नीचे अलग से इलेक्ट्रिक पॉइंट किया हुआ है जिसमें सारे सॉकेट्स है। तो सारे गैजेट्स के वायर जो है ये नीचे ही कनेक्टेड रहेंगे, सारे गैजेट्स क्योंकि हम नीचे ही रखते हैं। और ये देखिए ये सारे केबल्स है सेटअप बॉक्स के, तो हमने अभी तक घर में केबल नहीं लगवाया है, तो सेटअप बॉक्स जब आएगा तो ये सारे वायर इसमें लग जाएंगे। और ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये सॉकेट इलेक्ट्रिक जो पॉइंट है ना उसमें ये देखिए, ये जो है ये इंटरनेट का है इधर किया हुआ पॉइंट, लेकिन इंटरनेट का जो कैट 6 वायर आता है यहाँ मेरे टीवी में डायरेक्टली हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मेरा ये इसका कुछ यूज नहीं है, तो वायर भी नहीं दिख रहा है, तो वो भी मतलब नहीं दिख रहा है तो अच्छा ही लग रहा है, जितने ज्यादा वायर दिखेंगे उतना ही मतलब लुक भी खराब लगता है। और आपको मैं और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग आजकल हम लोग बैल्कनी में दिवाली के लाइट्स लगाते हैं, कोई भी फेस्टिवल्स में लाइट्स लगाते हैं तो घर और सुंदर लगने लग जाता है, तो उसके लिए बैल्कनी में इलेक्ट्रिक पॉइंट जरूर से रखिएगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं रखा। तो अब क्या प्रॉब्लम होता है, अभी दिवाली में हम लोगों ने एक्सटेंशन कॉर्ड यूज किया जिसका वायर जो मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ नीचे टीवी के नीचे जहाँ सॉकेट है उधर ही लगाया, तो उसका वायर भी एकदम दिखता है, और ये देखिए जो अपना बैल्कनी में यहाँ जो स्लाइडिंग रहता है ना उसके अंदर से भी ऐसे जाता है, तो दैट लुक्स बैड, एंड उसमें कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाता है, बच्चे भी रहते हैं सब कुछ आता है, तो इसीलिए आप बैल्कनी में जरूर से इलेक्ट्रिक पॉइंट का प्रोविजन रखिएगा। तो ये मैं चल रही हूँ अभी मैं सोफा के ऊपर, और ये देखिए ये मेरा इधर लगाया हुआ है ये हॉर्स का पेंट, और मैं बताना चाहती हूँ इसके पीछे भी इलेक्ट्रिक पॉइंट का प्रोविजन किया हुआ है, तो हम चाहे तो मतलब यहाँ पर अच्छा सा एक कुछ डिजाइनर लाइट 5 लाइट का कॉम्बिनेशन करके या 1 लाइट का कॉम्बिनेशन करके इधर दीवार वॉल में अगर लगाएंगे तो उसका जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा पेंट के ऊपर, तो उससे भी पेंटिंग आपका बहुत सुंदर लगेगा, लिविंग रूम भी बहुत सुंदर लगेगा। यस, आपने फैन देखा, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फैन के ऊपर, फैन के स्विचेस के ऊपर। जनरली लिविंग रूम हमारा बड़ा होता है कम्पेयर टू अदर रूम, तो फैन भी हमारे जनरली 2 होते हैं या 3 भी होते हैं, जैसे हमारे 3 फैन थे पहले भी लिविंग रूम में, एक सोफा के एरिया में और एक एंट्रेंस में एंड एक डाइनिंग टेबल के एरिया में, तो अभी भी हमने 3 फैन लगाया, बट स्विचेस जो हमारे सब एक ही इलेक्ट्रिक पॉइंट पे था सारे के स्विचेस, उससे क्या दिक्कत होता था, लाइक हम सोफा में बैठे हुए हैं और फैन चल रहा है और हमें फैन का जो स्पीड है वो लो करना है या फास्ट करना है जो भी करना है, तो हमें उठ के उधर जाना पड़ता था, रेगुलेटर से फिर कंट्रोल करना पड़ता था। तो इस बार रेनोवेशन के टाइम हमने फैन के जो स्विचेस है वो डाइनिंग टेबल के उधर एरिया में जो फैन है उसका उधर जो स्विच जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वहां रखा उसका स्विच, एंड सोफा के एरिया के ऊपर जो हमारे फैन है उसका जो स्विच है वो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पॉइंट के यहाँ रखा। सोफा के एरिया के ऊपर जो हमारा फैन है उसका स्विच हमने यहाँ सोफा के इधर ही एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाया है, ये देखिए ये मेरा ये सोफा, और ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाया है, तो इसके इधर ही मैंने फैन का स्विच यहाँ रखा है। तो आपको इधर ये देखिए रेगुलेटर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा जो ये फैन है ये एटम बर्ग का फैन है और ये रिमोट से कंट्रोल होता है। तो फैन के स्विचेस अगर आपके आसपास ही रहेगा तो आप रेगुलेटर से कंट्रोल भी कर सकते हो, और दूसरा जो हमने और एक चीज नहीं किया लेकिन आप कर सकते हो वो चीज भी,
आप अपने फैन के स्विचेस टू वे भी रख सकते हो, वो और कन्वीनियंट रहेगा। लाइक आप इधर बैठे हुए हो और आपका अगर वहां का फैन का स्विच भी इधर रहेगा, और आप अगर गलती से जैसे वहां से कोई उठ के इधर आके आपके सोफे में बैठ गया, तो आप इधर से उस फैन का स्विच बंद कर सकते हो अगर वहां का फैन चालू रहा, भूल गए कोई बंद करना। या अगर आप इधर से उठ के चले गए और आप बाहर निकल रहे हो गेट से और इधर का फैन का स्विच ऑफ करना भूल गए, तो आप उधर खड़े होके भी आपके उस स्विच बोर्ड से भी आप बंद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बोर्ड से भी फैन का स्विच बंद कर सकते हो। तो टू वे अगर आप रखोगे फैन के स्विचेस तो और अच्छा रहेगा और कन्वीनियंट रहेगा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सोफा का, नॉट सोफा के ऊपर बट सोफा के ये लेग के ऊपर। तो ये देखिए, ये लेग है वुडन लेग जो इस बार हमने लगाया है फ्लोर प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ क्यों हमने ऐसा लेग लगाया है। तो रेनोवेशन के पहले भी हमारे पास यही सोफा था, तो इस बार हमने सोफा का पूरा क्लोथ चेंज कर दिया है, जो फैब्रिक है वो पूरा चेंज करके इसको एक मेकओवर दिया है। तो इस बार हमने ऐसे वुडन लेग लगा दिया है सोफा में फ्लोर प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि पहले हमारे सोफा के नीचे स्टील लेग था। और उससे क्या होता था, जब भी हम लोग सोफा को थोड़ा सा हटा के जब हम लोग फ्लोर पूरा अच्छे से क्लीन करते थे, तो उससे मेरे फ्लोर में पूरा स्क्रैचेस आ गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे सोफा का लेग लगाने के बाद अब हम सोफा को जब भी हटा के फ्लोर क्लीन करते हैं तो मेरे फ्लोर में स्क्रैचेस नहीं आ रहे हैं। स्टील के लेग में एक पैड भी रहता है, रबर पैड, बट वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और कभी कभी तो कब खराब हो जाता है हमें ही पता नहीं चलता। तो वो पैड के ऊपर डिपेंड करके हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो पैड खराब होता है तो ही ऐसे स्क्रैचेस आ जाते हैं सोफा को मूव करने से, हटाने से। तो इसलिए बेटर ये आप वुडन लेग अगर लगाओगे तो आपका फ्लोर भी एकदम अच्छा रहेगा, सोफा कहीं भी कभी भी आप मूव करो। और वुडन लेग लगाने से आपको जब सोफा मूव करोगे तो वो भी बहुत स्मूथली एकदम मूव हो जाता है, इजीली मूव हो जाता है, जो स्टेनलेस स्टील में इतना इजीली मूव नहीं होता था। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग रूम के कर्टन्स के ऊपर। तो आजकल जनरली लिविंग रूम में सब लोग हिडन कर्टन ही लगाते हैं, तो जिसपे रॉड नहीं रहता, आप रॉड के साथ अगर कर्टन जब लगाते हो तो उसका रॉड विजिबल होता है। तो ये देखिए हिडन कर्टन पे ऐसे चैनल रहते हैं और चैनल से ही ऐसे मूव होता है। तो इसके ऊपर ऐसे पेलमेट होता है, तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस पेलमेट को पूरा एसी के ऊपर तक ले लिया है, जो प्लाई से बना है, और इसके प्लाई के ऊपर वैसे पेंट कर दिया है। तो आप अगर जब बनाओगे पेलमेट तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी ऐसे मत बनाइएगा। ये देखिए इससे क्या हुआ है, ये प्लाई ज्वाइंट करके बनाया है कॉन्ट्रैक्टर ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने, और ये देखिए पूरा यहाँ ज्वाइंट दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए। तो आप देख सक रहे हो कितना गंदा लग रहा है देखने में, इट लुक सो बैड। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब अगर हिडन कर्टन ऐसा बनाते हो और उसके ऊपर जब पेलमेट बनाओगे तो मैक्सिमम 6 to 7 inches तक अगर आप लोगे तो दैट्स इनफ। और प्लाई का बनाओगे तो उसके ऊपर आप वुडन लेमिनेट या कुछ वॉलपेपर लगा के कोई भी तरीके से उसको, मतलब उसको लुक दे सकते हो। और अगर और भी बहुत सारे ऑप्शन है पेलमेट के ऊपर, तो आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो आप अगर ऐसा हिडन कर्टन बनाने का सोचोगे तो आप ऐसे पेलमेट में ऐसे चैनल से भी आप अपने कर्टन को मूव कर सकते हो, या फिर अंदर रॉड भी लगा सकते हो, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। अपने लिविंग रूम में ये देखिए दो कर्टन ऐसे लगाए हैं, तो दो चैनल अंदर है पेलमेट के अंदर, आप एक भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो, वो सब आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिविंग रूम के हिसाब से। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग रूम के डाइनिंग टेबल एरिया के ऊपर। तो हमने ये देखिए ऐसा फोल्डेबल डाइनिंग टेबल बनाया है, जो अभी मेरा अनफोल्ड हुआ हुआ है विथ फोल्डेबल बेंच, तो हमें चेयर्स की भी कोई जरूरत नहीं। और सबसे अच्छी बात है इसकी कि आपको लिविंग रूम में बहुत स्पेस मिल जाएगा। तो हमारे जब गेस्ट भी आते हैं तो हम इसे फोल्ड करके रखते हैं, तो हमें स्पेस मिल जाता है, हम एंजॉय करते हैं, फन कर लेते हैं। और जब डिनर टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, तो बस हम इसे अनफोल्ड करके बुफे सिस्टम के हिसाब से भी यूज कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा मतलब हो गया है हमारे लिए, कन्वीनियंट हो गया है। तो आप ऐसा कर सकते हो आपके लिविंग रूम में फोल्डेबल डाइनिंग टेबल कर सकते हैं विद फोल्डेबल बेंच। ये फोल्डेबल डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उधर जाके इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ हमने कैसे ये पूरा प्लान किया, कैसे बनाया विद फोल्डेबल बेंच।
नेक्स्ट पॉइंट है वॉल पेंट के ऊपर। जब हमारा घर रेनोवेट हो रहा था, हम रेंट के घर में रहते थे और हमारे लिए एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता था आके देखना, चेक करना, क्योंकि कोरोना का भी टाइम था। तो हमारे कॉन्ट्रेक्टर ने रॉयल और प्लास्टिक दोनों को मिक्स करके पेंट किया है, जबकि हमने पूरा रॉयल का रुपया दिया है, जो कि हम सफर अब कर रहे हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, आइए ये देखिए, आप देख सक रहे होगे ये सारे क्रैक्स वॉल में। और ये देखिए, आप भी आपके घर में अगर आप रॉयल पेंट कराए हो तो आप समझ सक रहे होगे कि रॉयल पेंट की स्मूथनेस, और ये देखिए हमारे वॉल की स्मूथनेस, तो आप देख सक रहे होगे ये देखिए सारे क्रैक्स। बच्चों के साथ रहते हैं, मेरी बड़ी बेटी है और एक छोटी बेटी है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था फिर से घर में शिफ्ट होके फिर से पेंट कराना। तो अब हम इसे होल्ड में रखे हैं, तो बस थोड़े दिन बाद फिर से प्लान करेंगे और पेंट करवाएंगे। तो आप इस चीज के लिए जरूर से कॉशियस रहिएगा, ताकि हमारे साथ जो हुआ आपके साथ नहीं हो, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट या आपको डबल एक्सपेंस नहीं करना पड़े। रेनोवेशन के पहले हमारे बालकनी में प्लांट्स थे, और प्लांट्स में पानी देने के टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, क्योंकि या तो लिविंग रूम के बालकनी या किचन के टैप से ही पानी ला के इधर बालकनी में प्लांट्स से पानी देते। तो रेनोवेशन के टाइम सबसे पहले हमारे माइंड में यही था कि जब बालकनी जब काम होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने बोल दिया था कि आप प्लीज़ टैप का, बेसिन का प्रोविजन जरूर से रखना, ताकि आगे हमारे प्लांट्स में पानी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एंड बिलीव मी, ये देखिए यहाँ हमने टैप लगाया है बालकनी में, तो अब प्लांट्स में पानी देना हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। बस यहाँ से ही हम पानी लेते हैं और अच्छे से सारे प्लांट्स पे पानी दे देते हैं। तो आप भी जब आपके घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो, तो ये पॉइंट जरूर से माइंड में रखिएगा, टैप का प्रोविजन रखिएगा, ये बेसिन बनाइएगा, आपको भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है मेरा, आप अपने लिविंग रूम में या कोई भी रूम में जब इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाओगे, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड में ऐसा यूएसबी चार्जिंग पॉइंट का प्रोविजन जरूर से रख लीजिएगा, ताकि आपका मोबाइल भी इजीली कहीं भी चार्ज हो जाए और यूएसबी चार्जिंग वाला कोई भी गैजेट भी आपका चार्ज हो जाए। तो रेनोवेशन के बाद 6 महीने से मैं रह रही हूँ, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसी के ऊपर बेस करके सारे टिप्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो आप जब लिविंग रूम आपका कंस्ट्रक्ट करोगे या रेनोवेट करोगे, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज शेयर कीजिएगा, सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा, और आपके अगर कुछ भी व्यूज है या सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माई चैनल, बाय, टेक केयर।